दोस्तों आज की कहानी है ननन जी रिश्तों को डरा कर नहीं प्यार से मजबूत डोर में बांधा जाता है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। लो कमला जी आपके लिए तुलसी अदरक वाली बिना शक्कर की चाय लाओ भाई। आधा घंटा हो गया मुझे आए पर किसी ने पानी तक के लिए नहीं पूछा। एक बात तो बताओ आशा भाभी तुम्हारी बहू किधर है? पैर सूख कर गई हैं पलट कर नहीं आई। ये संस्कार है आजकल की बहुओं के। कमला जी अकड़ कर वे बोली नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं। प्रीत पिंकी से महीने को दूध पिला रही है। कल से गुड़िया को दस्त हो रहे। डॉक्टर ने दवा के साथ माँ का दूध समय समय पर पिलाने को बोला है। और फिर मैं तो हूँ आपकी सेवा में हाजिर। चलिए बताइए खाने में क्या खाएंगे? सब कुछ आपकी पसंद का ही बनाऊंगी। सही तो ठीक है क्या आप खाना भी तुम बनाओगी? भाभी थोड़ा तो अपना सास वाला रुतबा बना कर रखो वरना ये बहू सिर पर चढ़ कर नाचेगी। सारे घर का काम खाना पीना तुमसे कराएगी और बैठ कर राज करेगी। राज जी आप भी ना राइट पहाड़ बनती हैं। उसके बच्चे अभी छोटे बस इसलिए मैं उसकी थोड़ी मदद करा देती हूँ। लो जी आज का लो तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। हम तो कुछ नहीं कहने वाले। सही नाश्ता तो हो गया अब हम जरा आराम करेंगे। चलो तुम भी आराम करो खाना वाना होता रहेगा बहू बना लेगी अपने आप। आशा जी अपनी ननन का आखर स्वभाव अच्छे से जानती थी इसलिए उन्होंने पहली दाल सब्जी गूंथा आटा तैयार कर रखा था। बस रोटियां भर सेकनी थी इसलिए निरसत होकर वह कमरे की ओर चल दी। हे भगवान ये मैं क्या देख रही हूँ आशा भाभी तुम्हारे कमरे का तो नक्शा ही बदला हुआ है। पूरे कमरे में बच्चे के खिलौने कपड़े किताबें क्यों बिखरे पड़े? अपना माता जोर से पीटते हुए बोली। अरे जीजी कोई बड़ी बात नहीं अभी समेट देती हूँ आप आराम से कुर्सी पर बैठिए। पिंकू थोड़ी देर पहले स्कूल गया है रात को हमारे पास ही सोता और बहू पिंकी की देखभाल में व्यवस्थित बस इसलिए मेरा कमरा पड़ा रह गया। अरे मेरा आराम हराम तो तुम्हारा कमरा देखकर और तुम्हारी हालत देखकर ही हो गया। बताओ घर में बहू ने सास को नौकरानी बना रखा वो सब तो छोड़ो बच्चे का सारा सामान तुम्हारे कमरे में क्यों फैला रखा भाई? अब इस उम्र में तुम्हें भी वह तो प्राइवेसी सही है। अब तो मुझे ही देख लो भाभी पूरे घर में राज चलता। मेरी दोनों बहुएँ घूंघट डाले सिर झुकाए खड़ी रहती हैं मेरे सामने। सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर एक ने भी मुंह चलाया तो फूटी कौड़ी न दूंगी। इसी बात से डर कर मजा ले मुझसे पानी का गिलास भी उठवा ले। सही बनवाना तो बहुत दूर की बात है दोनों के बच्चे हैं हिम्मत नहीं है किसी की मेरे कमरे में एक पेंसिल भी रख कर रख दे। मुझे तो पूरी साफ साफ सफाई पसंद है और अब ये बूढ़ी हड़िया जीवन भर काम करती रहेगी या थोड़ा आराम भी करेगी? भाभी अपने बच्चे पाल लिए हमने घर संसार सब संभाल लिया अब घर बच्चे अब बहुत संभाले हमें क्या? कमला जी अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात बोलो अभी प्रीत का एक बच्चा पाँच साल का एक गोदी में और मेरी उम्र भी इतनी नहीं हुई है कि मैं उसकी मदद ना कर सकूं। और आपको तो भली भांति पता है छोटे बच्चे के आ जाने से बड़े बच्चे को कितना अकेलापन महसूस होता। बस हम दादी दादा उसके इस अकेलेपन को बांट लेते बच्चे को अपने साथ खाना खिलाते
सच कहे जी जी, आपके भाई साहब रिटायर होने के बाद बड़े चिड़चिड़ा हो गए थे, मगर अब सारा दिन पिंकू के पीछे व्यस्त रहते। रसोई में बहू का साथ दे देती हूँ, पिंकी की देखभाल बहू अच्छी तरीके से कर लेती हैं। इस तरह मिलजुल कर घर परिवार को प्यार से सींच रहे। अब ये तेरा काम है, ये मेरा काम है, तेरा मेरा क्या लड़ाई झगड़ा करना। ये घर जितना हमारा उतना बहू का है, मिलजुल कर प्यार से रहेंगे तो कल जब हम बिस्तर में पड़ जाएंगे, प्रीति इसी प्रेम भाव से सेवा करेगी, ना कि सीढ़ कर गुस्से में बेमन से ये सोच कर। जब इन्हें हमारी जरूरत थी तब हम तो हाथ खड़े कर दिया, आज उन्हें जरूरत है तो हमारे सामने हाथ फैलाने लगे। कमला जी जी, ये रिश्तों की डोर बड़ी कमजोर होती है, इसे जितना प्यार मीठे वो सामान से सीसेंगे ये उतनी मजबूत होती जाएगी, और अगर इसे अपनापन घमंड कड़वे वसन और अभिमान से सीसेंगे तो ये कमजोर होकर टूट जाएगी और रिश्ते बिखरे नजर आएंगे। मेरी नज़र में रिश्ते बिखरे इससे बेहतर हैं। निर्जीव वस्तुओं का बिखराव एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देखिए, आपको मेरी बात जरूर समझ आएगी। आशा जी ने सारा सामान अपनी जगह पर जमा कर बोला। कमला जी अपनी भाभी की बात सुन विचार करने लगे। अभी कुछ साल तक जब मेरे हाथ पर सल रहे तब तक ये बहुएं मेरे आसपास गुलाम बनकर रह रही, बाद में जब मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी तब ये सुने ना सुने उनकी मर्जी। इसलिए रिश्तों को डरका कर नहीं प्यार से मजबूत डोर में बांधा जाता, तब आकर परिवार एक आदर्श परिवार कहलाता, जहाँ एक दूसरे की तकलीफ हो मैं एक दूसरे का हाथ थामा जाता है वो समझ।